हेलो एवरीवन, वेलकम टू शाहीन डेलिकेसीज। आज हम आपके साथ शेयर करेंगे चिकन की एक बहुत मज़ेदार रेसिपी जो कि बन जाती है सिर्फ 10 मिनट में। और इसमें ना तो हमने कुछ ड्राई फ्रूट का यूज़ किया है, ना किसी क्रीम का यूज़ किया है। घर के कुछ सिंपल मसालों से ही ये डिश बनकर तैयार हो जाती है और खाने में तो ये बहुत टेस्टी लगती है। तो आपके घर में अचानक से अगर गेस्ट आ जाएँ तो ये रेसिपी आप फौरन बना सकते हैं। और टेस्ट के तो इसके क्या कहने, बहुत टेस्टी और बहुत चटपटी ये डिश तैयार होती है। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि रेसिपी को पूरा देखें और इसको घर पर ट्राई ज़रूर करें। तो फिर चलिए इसको बनाते हैं। तो एक कढ़ाई में हम आधा कप तेल ले लेंगे, उसमें हम एक बड़ी साइज़ की प्याज काट के डाल देंगे और प्याज को हम फ्राई करेंगे। लेकिन प्याज को हमें ब्राउन नहीं करना है, बस इसका हमें कच्चापन दूर करना है, बस इतना ही फ्राई करना है हमको। तो प्याज हल्की सी पक गई है, हमें बस इतनी ही फ्राई करनी, इससे ज़्यादा फ्राई नहीं करनी। अब यहाँ पर हमने आधा किलो चिकन लिया था, ये हम इसमें डाल देंगे। आप चाहें तो विद बोन भी ले सकते हैं और बोनलेस भी ले सकते हैं। अब इसमें चिकन को डाल के हम अच्छी तरह से फ्राई करेंगे। चिकन की 4 से 5 मिनट तक अच्छी तरह से भुनाई करनी है। तो चिकन का कलर हल्का हल्का चेंज होने लगा है, हमें अभी और भूनना है इसको। तो ये चिकन हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब हम इसमें 2 बड़े चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट डाल देंगे और 3 हरी मिर्च डाल देंगे। हरी मिर्चों को हमने बीच से चीर लिया था। 1 चम्मच नमक डालेंगे और नमक मिर्च आप अपने टेस्ट के हिसाब से डालिएगा, जितना कम या ज़्यादा आप खाना पसंद करते हो। अब इसको भी 1 से 2 मिनट तक हम अच्छी तरह से भून लेंगे। तो ये चिकन को हमने अच्छी तरह से भून लिया है। अब 3 ये हमने बड़े बड़े साइज़ के टमाटर लिए थे, जिनको हमने बीच से 2 कर लिए हैं, ये हम डाल देंगे। टमाटर को कट करके नहीं डालना है इस डिश में, ये टमाटर ऐसे ही डाले जाते हैं। अब हमें चिकन को गलाना है तो थोड़ा सा हम पानी डाल देंगे, आधा कप के करीब पानी हम डाल देंगे और इसको एक का ढक्कन हम कवर करके चिकन के गलने तक हमें इसको पका लेना है। अब हम चेक कर लेते हैं, चिकन भी गल गया और देखिए टमाटर भी बिल्कुल इसमें घुल गए हैं। तो टमाटर गलने के बाद इसकी स्किन अलग हो गई है, तो हम स्किन निकाल लेंगे। तो बड़ी आसानी से इसकी स्किन निकल जाती है टमाटर गलने के बाद। अब इन टमाटर को हम ये चम्मच के साथ इस तरह से हम मैश कर लेंगे और काफ़ी अच्छे से टमाटर गल चुके हैं, तो बहुत आसानी से ये मैश हो रहे हैं। और आंच को हमें तेज़ करनी है, उसके बाद हम चिकन को भून लेंगे। अब ये मेरे पास मैजिकल मसाला है, इसकी रेसिपी हम पहले अपलोड कर चुके हैं। ये 1 चम्मच हम डाल देंगे और आपने अगर नहीं बनाया है तो इसको बना कर रख लें, बहुत इजी हो जाता है इसको इससे खाना बनाना। और अगर आपके पास नहीं है या आप नहीं बना सकते हैं तो इसमें आप आधा चम्मच काली मिर्च पाउडर डाल दीजिएगा, आधा चम्मच लाल मिर्च डाल दीजिएगा और आधा चम्मच गरम मसाला डाल दीजिएगा, उससे भी इसका टेस्ट बहुत अच्छा हो जाएगा। अब हम इसको अच्छी तरह से भून लेंगे। तो देखिए, आपने देखा कि हमने बहुत ज़्यादा मसालों का इसमें यूज़ नहीं किया है, बहुत कुछ सिंपल मसाले थे उसी का यूज़ किया है, जिससे ये बहुत टेस्टी बन जाता है। अब हमने ढक के 1 से 2 मिनट इसको और पका लिया था, अब थोड़ी सी इसकी भुनाई और कर लेंगे, बस ये बनकर तैयार हो जाएगी। तो ये बहुत अच्छी तरह से भुन चुका है, इसका तेल भी बिल्कुल ऊपर आ गया है। तो अब हम इसको कवर करके रख देंगे, फ्लेम को बंद कर देंगे, फिर डिश आउट करेंगे। बहुत ही मज़ेदार और टेस्टी चिकन बनकर तैयार है। तो आप इसको एक बार ट्राई करके ज़रूर देखिएगा, आपको भी इसको खा के मज़ा आ जाएगा।
तो कैसी लगी मेरी आज की रेसिपी, आप हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, मेरी वीडियो को लाइक और शेयर कीजिए। तो मिलते हैं एक नई रेसिपी के साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग।